आज एग्ज़ाम मैं कर रही हूँ, कपड़े आयरन और हो रही हूँ तैयार जाने के लिए कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए। रात से पढ़ पढ़ के ना दिमाग का दही हो गया है। अभी मैं निकलूँगी, टाइम से पहुँच जाऊँगी तो 1 घंटा फिर रिवीजन करूँगी कॉलेज पहुँच के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। होप करती हूँ आप सब घर पर सही होंगे और हम तो सही हैं ही। सो आज कहाँ चले हम विशाल जी? आज हम जा रहे हैं बब्ली का लास्ट फाइनल पेपर से, लास्ट सेमेस्टर से हैं लोग के, तो उसकी LLB कंप्लीट हो जाएगी अब। सो मैं जा रही हूँ आज मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स का पेपर देने, लास्ट पेपर फाइनल और मेरी लॉ कंप्लीट हो जाएगी। मेरे पति ने मुझे बहुत पढ़ा लिखा दिया है। सो मैं आगे जा रही हूँ एग्जाम तक और आज आप चलिए हमारी जर्नी में हमारे साथ कॉलेज तक। अभी 7 भी नहीं बजे हैं और ट्रैफिक देख लीजिए, दिल्ली कैंटीन पहुंचे हम, पूरा ट्रैफिक दिल्ली में सुबह सुबह मंडे की मॉर्निंग, बिजी बिजी लोग ऑफिस जा रहे हैं और वो तो थैंक गॉड स्कूल्स की छुट्टियां हैं, अदरवाइज तो डबल ट्रैफिक मिलता। गाने लेकर आती हूँ, तुम तैयार हो जल्द से अच्छी पॉटी करना ताकि दिन अच्छा निकले। है आई एम विशिंग यू द सेम। बाकी मैं कैसी गाने लेकर आती हूँ, मेरा नाम गिनी है, मेरा गला अभी भी खराब है। अरे अभी भी चल रहा ना कंस्ट्रक्शन का काम, एक बार मजदूर घुस जाते घर के अंदर तो निकलते थोड़ी है। लेफ्ट फॉर बहन राइट फॉर बहन हम विशाल को गाना गाना सिखा रहे हैं। अब जितनी बार दिलजीत तो सान डू यू नो बोलेगा उतनी बार विशाल डू यू नो बोलेगा आज, है ना? कॉपीराइट आ जाएगा। कॉलेज पहुंचने के बाद में अभी एग्जाम में टाइम है तो मैं करूंगी प्रिपरेशन। नींद आ गया, अभी मैं करूंगी रिवीजन और पहले हम पियेंगे दोनों चाय जो मैं लेके आई हूँ घर से बना के। घर पे चाय ना पियो, बाहर आके चाय पियो। बाहर आके चाय पीनी पड़ती है, मैं तो सो जाऊंगी पढ़ने की बजाय। और मुझे अब 2.5-3 घंटे वेट करना है बाहर। हाँ 3 घंटे का पेपर है मेरा, 3 घंटे शादी बाहर बैठेंगे और मेरा वेट करेंगे। भाई वेट ना जब से चलता आ रहा है, जब मेरी शादी हुई थी मैं सेकंड ईयर में थी तब से एग्जाम दिलाने का और वेट करने का एक्सपीरियंस है विशाल को। हमेशा मैं एग्जाम देने जाती हूँ विशाल कॉलेज के बाहर एक्सपीरियंस कर। 19 साल हो गए ऐसा नहीं, मैं 19 साल से पढ़ी रही हूँ, बीच में गैप ले लिया था तब दोबारा पढ़ाई शुरू करी है, तो वही एक्सपीरियंस है मैंने ग्रेजुएशन की मास्टर्स की, तब भी विशाल ऐसे वेट करते थे कॉलेज के बाहर और अब भी सेम। हाँ अभी PhD भी करूंगी तो भी ऐसे वेट करना है कॉलेज के सामने तुम्हें। कल मैंने आपको बताई थी मेरी ना पढ़ने का रीजन यूट्यूब पे कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूट्यूब एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है ना।
तो वो चीजें देखिए, वो चीजें दिखाइए ऑडियंस को जो एक्चुअली वर्किंग है, हेल्पफुल है लोगों के लिए, जहां से हमारी जनरेशन नया कुछ सीख पाए। ये कलेश और श्यापा देखने के लिए तो हमारे आस पड़ोसी कमी नहीं है होते क्या, वहीं पे बहुत कुछ मिल जाता है। तो जो चीजें यूजफुल है, बच्चे जहां से कुछ नया सीख पाए, ले पाए, हम कुछ नया सीख पाए, इतने सारे चैनल्स हैं जो गार्डनिंग सिखाते हैं, आपकी एजुकेशनल चैनल्स हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत हेल्पफुल चीजें सिखाती हैं, वहां से कुछ सीखो। ये जो ये फालतू वाला ड्रामा चल रहा है ना, ये तो बकवास है। किसकी वाइफ, किसका हस्बैंड, किसकी शादी, किसका डिवोर्स, ये इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। बस हमें नहीं छाना। सुबह सुबह भी गर्मी बहुत थी तो विशाल जी बैठे थे और फिर वो विशाल जी चले गए मेरा रोल नंबर देखने। मैंने कहा आप रोल नंबर देख के आओ, इतने मैं एक बार और करती हूँ रिवीजन। तो मैं कर रही थी अपनी रिवीजन। पहले के जमाने में लोग बुक से पढ़ते थे और आज के जमाने में लोग टैब से पढ़ते हैं। अरे नोट्स टाइम दे रखे हैं टाइम में, इसलिए ना सब इजी कर दिया आजकल ना, हर चीज अवेलेबल है उस पे। हाँ तो कलेश भी अवेलेबल है आजकल बहुत, यूट्यूब पे, पूरा यूट्यूब पे हो रहा है, बस पूछो ही मत। मैं 3 घंटे का एग्ज़ाम था, काफ़ी लेंदी पेपर था। मेरा पेपर ख़त्म हुआ अराउंड 2 बजे। विशाल जी जब तक वेट कर रहे थे कॉलेज के बाहर जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था, और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे पिक किया और हमें घर आते आते बज गए शाम के 4। और 4 बजे के बाद भी मेरी क्लासेस थी, तो दिन रहा बहुत बहुत बिजी। होप करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे और आगे भी ऐसे पसंद आएंगे। अगर आप कुछ मेरी स्टडीज़ के बारे में या फिर एजुकेशन कैसे लॉ करें सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं आपको वहाँ से गाइड करूँगी। थैंक यू।